यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी, बोलिए कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया, छलाया कि नहीं छलाया, आपको गुमराह किया कि नहीं किया, उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या, पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से, बताओ 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या, मिल गया क्या, मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या, मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या, जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या, मिल गया मेरे नौजवान भाई, मिला क्या पिछले 5 साल में? ये है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। और ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे, और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे।